राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि क्या डोटासरा बना पाएंगे सचिन पायलट जैसी टीम, क्योंकि उनसे नहीं संभल पा रही है प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। राजस्थान में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने आप लोगों की जिंदगी को रोक कर रख दिया है। इसी महामारी के दौर में सरकार तो अपनी तरफ से लोगों की सहायता में जुटी हुई है, लेकिन संगठन इस काम में कुछ कमजोर नजर आ रहा है। प्रदेश स्तर पर संगठन ने तो कंट्रोल रूम बनाकर लोगों की सहायता का काम किया, लेकिन जिलों में जिला अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी नहीं होने का नुकसान इस बार कांग्रेस को गैर राजनीतिक परिस्थितियों में भी उठाना पड़ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस संगठन बीते 10 महीनों से बिना जिला अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी में चल रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस महामारी के दौर में जिलों में कांग्रेस संगठन में कितना काम किया होगा। इसे देखते हुए अब प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अब राजस्थान के जिला कांग्रेस अध्यक्षों के नाम को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और जल्द ही नामों के पैनल प्रदेश प्रभारी अजय माकन के जरिए दिल्ली आलाकमान को भेज दिए जाएंगे। हम आपको बता दें कि आलाकमान डोटासरा से काफी नाराज है। उनको अचल काम न करते हुए देखते हुए वो उनसे काफी नाराज है। इन्हीं के चक्कर में इस बार जो कोरोना की एक कमेटी बनाई गई है उसमें राजस्थान में किसी को भी नहीं रखा गया। वैसे राजस्थान के युद्ध जो नेता है वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी वाहवाही भी बटोर रहे हैं। पंचायती राज और विधानसभा उपचुनाव के बाद राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के 39 जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लेकिन अभी प्रदेश में 12 जिलों में पंचायती राज चुनाव बाकी है। ऐसे में 12 जिलों में निर्वाचन जिला अध्यक्षों से ही कांग्रेस पार्टी काम चला रही है। वही अभी वल्लभ नगर में विधानसभा उपचुनाव होना बाकी है। ऐसे में उदयपुर में जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। इस तरीके से कुल मिलाकर 26 जिला अध्यक्षों की घोषणा जल्द हो सकती है, जिसमें सरकार के काम का प्रदेश में प्रचार प्रसार हो सकता है। वर्तमान में हमारी जैसी परिस्थितियों से भी संगठन सरकार के साथ मिलकर बेहतरीन तालमेल से जिलों में भी काम कर सकती है। हम आपको बता दें कि जैसे पिछले साल सचिन पायलट ने कोरोना महामारी में एक कंट्रोल रूम बनाया था और लोगों की मदद की थी, वैसे ही लोग इस बार सोच रहे थे पर डोटासरा बिल्कुल भी अपने काम में खरे नहीं उतरे हैं और कहीं ना कहीं लोग सचिन पायलट को मिस कर रहे हैं। सचिन पायलट का काम अभी से ही दिखने लगा है। सचिन पायलट खुद एक विधायक होते हुए काफी कुछ कर रहे हैं। उन्होंने अपनी विधायक की सैलरी भी दी और ऑक्सीजन भी दिन रात लोगों को पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ट्विटर हैंडल भी बनाया है जिसके जरिए वो लोगों के काम कर रहे हैं। ऐसे ही उम्मीद सब डोटासरा से रख रहे थे, लेकिन डोटासरा अपनी उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए हैं, इसलिए आलाकमान उनसे नाराज है। और आलाकमान ही नहीं, राजस्थान के भी जिला अध्यक्ष और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि अब प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सचिन पायलट को दे देनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।